नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। जमुरिया थाने की पुलिस ने लाखों रुपए की चोरी की साड़ियों के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के पास शिकायत थी, मोहम्मद अख्तर और रंजीत दास नाम के दो व्यक्ति लंबे समय से चलती ट्रेन से सामान चोरी करने के धंधे में शामिल थे। जमुरिया थाने की पुलिस ने बीती रात 50 लाख रुपए की साड़ी के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार लोगों को जिला अदालत में पेश कर 10 दिन की पुलिस हिरासत के लिए अर्जी दी गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार 38 वर्षीय मोहम्मद अख्तर आसनसोल उत्तर थाना क्षेत्र के जहांगीर मोहल्ला का रहने वाला है और 33 वर्षीय रंजीत दास झारखंड के देवघर के मधुपुर का रहने वाला है। ये दोनों जमुरिया थाना क्षेत्र के श्रीपुर फड़ी अंतर्गत राणा कोलियरी में किराए पर मकान लेकर रहते थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इन दोनों लोगों ने चलती ट्रेन से माल उतार दिया। पिछले शुक्रवार आसनसोल से पटना एनाकुलम एक्सप्रेस में चढ़े और मधुकुंडा स्टेशन में प्रवेश करने से पहले लगभग 500 से 600 साड़ियों को चलती ट्रेन से नीचे उतारा गया। कल पुलिस ने किराए के मकान में छापेमारी कर चोरी की साड़ियों के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया था। सूत्रों के अनुसार बरामद साड़ी की अनुमानित कीमत 50 लाख से अधिक है।